हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सेम ऐसे ही ब्लाउज़ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खुद सिला हुआ है, खुद पहना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप ये अस्तर ले लीजिए, जिसको हम लोग इनर भी बोलते हैं। फिर इसमें 4.5 इंच का गले के लिए निशान लगाइए और 3 इंच का कंधे के लिए। फिर गला आपके जितना भी आपको डीप रखना है उसके अनुसार आप लेंथ ले लीजिए। आपको छोटा रखना है, बोट गला बनाना है, डिजाइन बनाना है, ये आपकी मर्जी है। और फिर आस्तीन के लिए मैंने 7 इंच यहाँ पे लिए हैं, लंबाई लिए हैं 7 इंच। और फिर मैंने ये आगे के लिए, ये आस्तीन की कटिंग के लिए मैंने 1 इंच इसको राउंड में लिया हुआ है। और आगे के लिए मैं इस तरह से गले का डिजाइन बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह का लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस तरह से भी आपको डिजाइन गले का चाहिए। ये मैं आगे का ये पोर्शन काट रही हूँ, तो ये मैंने पीछे का पोर्शन हटा दिया है और ये आगे का मैं इसी में गले काट रही हूँ। मैं अलग से बकरम पेपर नहीं यूज कर रही हूँ। और ये मैंने देखिए एक रफली स्टिचेस ऐसे कर लिया ताकि इधर उधर भागे नहीं। आप पिन भी लगा सकते हैं। और ये मैंने, ये देखिए गला मैं बैठा रही हूँ, इसको अच्छे से आप बैठा लीजिए। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें जब भी आप सिले तो आप गले का बहुत ध्यान रखिए कि जहाँ भी मशीन रोकना है वहाँ रोकिए। ये मैंने जो भी रफली स्टिचेस किए थे उसके धागे मैं निकाल रही हूँ। आप भी तुरंत ही निकाल दीजिए, नहीं तो वो अंदर जब चले जाते हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बीच बीच में दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने अलग से कटिंग कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके इसमें भी मशीन चलाऊंगी। आप का अगर मशीन नहीं चलाना है तो आप अच्छे से प्रेस भी कर लीजिए, लेकिन मैं मशीन यहाँ पे चला रही हूँ क्योंकि मुझे मशीन चला हुआ बहुत सही लगता है, कंफर्ट रखता है। आप अपने कंफर्ट के अनुसार आप इसको कीजिए। ये मेरा आगे का सेक्शन है। अब इसमें यहाँ पर 4.5 इंच और नीचे 3 इंच का लगाऊंगी। ये प्रिंसेस कटिंग के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली कटिंग करती हूँ तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्री लंबाई लेंथ लेती हूँ ताकि मुझे अलग से कटिंग नहीं करना पड़े। अब ये कटोरी में जो काटी हूँ सेम कटोरी मैं ऐड करके फिक्स कर देती हूँ। और फिर जो नीचे का एक्स्ट्रा बचता है मैं उसको कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेंथ लिया हुआ था। तो इससे मेरा टाइम बहुत बचता है और इसमें मुझे कोई भी अनकम्फर्ट फील नहीं होता है। ये मेरे लिए मुझे बहुत ही सही रहता है। आपको अगर अलग से कटोरी लगाना हो तो लगा सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। ये मैंने लंबाई मीन्स लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लिया है। और फिर इसको कटिंग करके ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सिल दिया है, नीचे से अच्छे से फोल्ड करके लगा दिया। आप चाहें तो आप कोई लेस लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली से इसको ऐसे स्टिचेस कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये मेरा पीछे का सेक्शन है, तो आपको पीछे जितनी भी लंबाई लेनी है ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ये अपने अनुसार अकॉर्डिंग लंबाई लिया हुआ है। मैं इसको भी सिंपल इसमें काट दे रही हूँ क्योंकि मैं बकरम पेपर यूज नहीं करती हूँ। अब ये ऐसे रफली स्टिचेस कर दीजिए और फिर इसको अच्छे से आप सिल लीजिए। और ध्यान दीजिए कि आप अच्छे से सिले, कहीं भी मिस ऐसे सिकुड़न नहीं रहे, क्योंकि ब्लाउज़ में थोड़ा भी सिकुड़न आता है तो पहनने में अनकम्फर्ट फील होता है। आप इसको ऐसे कटिंग कर दीजिए और फिर ये फोल्ड करके इसको भी अच्छे से सिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप आगे के गले में प्रेस कर रहे हैं तो पीछे के गले में भी प्रेस ही कीजिए, आगे प्रेस पीछे स्टिचिंग मत कीजिए, सेम पोर्शन रहे। मिस अगर आपने आगे स्टिचेस लगाई है तो पीछे के भी में स्टिचेस लगाइए। ये नीचे का सेक्शन है, यहाँ पर मैं फोल्ड करके इसको अच्छे से पक्की सिलाई कर दे रही हूँ, स्टिचिंग कर दे रही हूँ। और ये मेरे पीछे का पोर्शन तैयार हो गया है। अब ये जो पीछे प्लेट होती है जिससे फिटिंग होती है, तो ये मैंने लगा दिया है। और ये मैंने गले का इधर मतलब लंबाई में इधर लगा दिया है और इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया है ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फिटिंग के लिए। अगर आपका ब्लाउज़ फिटिंग नहीं आ रहा तो आप कोई भी ब्लाउज़,
अगर आप सिले हैं फिटिंग नहीं आया तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये वाला पोर्शन सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग कर देंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा फिट आएगा। और इसको आप ज़रूर लगाया कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फील मतलब कि फिटिंग आता है। अब ये मैं आस्तीन काट रही हूँ तो मुझे आस्तीन कोहनी तक ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ ले ली है। आपकी जितनी भी लेंथ हो कोहनी तक उसको ले लीजिए, ये मैंने ले लिया। फिर इधर से मैंने ये 4 इंच लगा के इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैंने कटिंग कर दिया है। और ये इधर से अब मैंने आस्तीन की फिटिंग के लिए मिस फिटिंग से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने ले लिया है। मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए भी किया है ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो सही रहता है, ताकि थोड़ा सा मोटे पतले हों तो मुझे ये होता है कि हाँ अच्छे से मैं उसको ढीला कर सकती हूँ, अलग से कपड़ा ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने इसको जो अस्तर था इसको मैंने कपड़े के साथ ये फिट कर दिया है। और फिर मैं दोनों फिट करने के बाद इसके साइड साइड से मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको कटिंग कट कर दिया है। और ये जो पीछे का पोर्शन था उसमें हुक लगाने के लिए मैंने उसको बीच से कटिंग कर दिया है। मैंने अलग अलग पोर्शन नहीं लिए थे, मैंने सेम अच्छे से उसको फिट करके मैंने फिर सीधे से नाप के इसको पीछे से कटिंग कर दिया है। तो ये बहुत ही ईजिली होता है, आप भी ट्राई ऐसे कीजिए। अगर आप बैक साइड का मिस ब्लाउज बना रहे हैं लहंगे का या फिर किसी साड़ी का, तो आप पूरा ब्लाउज सिलने के बाद उसको सिंपली पीछे से कटिंग करके ये तब ये हुक वाला पट्टी लगाइए तो बहुत ही अच्छे से लग जाता है और बहुत ही सही से रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कपड़े कम हैं तो आप अलग अलग कीजिए ताकि वो सेट हो सके, एडजस्ट हो सके। ये मेरे आगे का पीछे का पोर्शन है। अब मैं इसको शोल्डर जोड़ रही हूँ। इसको आप 2-3 सिलाई ज़रूर ऐड कीजिए ताकि पूरा बहुत ज़्यादा पक्का सा हो जाए और अच्छे से इसमें वो हो जाए। और फिर ये देखिए पक्के से ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें स्लीव जोड़ रही हूँ, तो ये आप मेजरमेंट ज़रूर लगा दीजिए ऐसे करके, ताकि आपको कहीं मतलब कि जो भी आपका सेम पॉइंट में आए, नहीं तो इधर उधर होता है तो स्लीव सही से नहीं आता है। और इस स्लीव में भी आप डबल सिलाई ज़रूर कीजिए ताकि वो अच्छे से हो जाए। और फिर ये सिलने के बाद मैं इसको इस बार ऐसे ही इस तरह सा स्टिचिंग कर देती हूँ ताकि ये अलग सा मीन्स एक बकरम का काम करता है है और वो एकदम फिटिंग सा रहता है, मोटा सा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप भी इसी ही तरह कीजिए। अब ये मैंने फिटिंग कर रही हूँ कि फिटिंग में अच्छे से इसको कर रही हूँ। फिटिंग करने के लिए आपकी जितने भी मीन्स आपका फिटिंग की साइज है वो आप लगा दीजिए, मैंने ये मार्क कर लिया है। और फिर मैं डबल सिलाई करने के बाद भी दो सिलाई और लगाती हूँ ताकि किसी और को पहनना हो या फिर मैं ही मोटी हूँ तो मैं सिलन उसको खोल दूँ। और फिर बाद में मैंने इसमें फिल भी लगा दिया था और ये लटकन भी लगा दिया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए।